जी करें। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर वन, अभी आप इसको देख लें, जो जितने भी पुरानी तरीके हम पढ़ चुके हैं। पहली बात तो ये कि सवाल में ये नहीं दिया जाएगा कि आप इसको किस तरीके से करना है, तो आपने ख़ुद अपने जहन में वो कैलकुलेट करना है। और सिक्वेंशली जो तरीके हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन का, सवाल को देखकर पहले वो सारे जो मेथड है सिक्वेंशली आप उस पर अप्लाई करने की कोशिश करें। वो नहीं हुआ फिर उसी तरह आप इस पर आ जाए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सिर्फ दो टर्म्स है और ये भी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 27। तो जो पुराने तरीके हैं उसके मुताबिक यानी हल नहीं हो रहा, यानी फैक्टराइज कॉमन नहीं ले सकते और बाकी जितने भी तरीके थे ना। तो हमारे पास हमने एक फार्मूला हमने पढ़ा था कल, क्या था याद है, क्या था हमारे पास, कि ए क्यूब प्लस अगर कोई रकम इस शक्ल में हो तो आप इसको फैक्टराइज बना सकते हैं। इसका ये देखिए, एक फैक्टर ये बन जाता है, दूसरा ये फैक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ये एक फार्मूला है, बल्कि दो फार्मूले। अगर यहाँ पर फिर माइनस हो, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये दो फार्मूले हैं, तो आपने इसको याद रखना। ये देखिए एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। अब इसको अगर आप देख ले बिल्कुल इसके मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं, वो किस तरह, ये देखिए। पहली बात तो ये, चलो इसको मैं यहाँ पर एक्स क्यूब है 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर आप देख लें, 27 को हम लिख सकते हैं 27 3 × 3 × 3 raised to the power 3, ये चीज़ ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये, ठीक है ना। अब इसके इस फार्मूले के मुताबिक इसको क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ये देखिए, ये पहली रकम है, जो दूसरी रकम है, ये पहली रकम है, ये क्या है, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लें तो ये ए क्यूब, ये क्या है बी क्यूब, तो क्या आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक, ए जमा बी यानी एक्स जमा तीन, ज़रा भी क्या आना चाहिए, बात समझ में आ गई ना, कि तीन ये बी है आप समझे, एक्स को आप ए समझे, तो इसी के मुताबिक आप फिल कर दे जाए। एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, इधर अगर मैंने बताया कर यहाँ पर प्लस हो, प्लस आएगा यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो ये माइनस, तो एक्स इंटू थ्री प्लस क्या थ्री स्क्वायर, ये देखिए ठीक है ना। तो क्या बना, एक्स जमा तीन एक्स स्क्वायर मनफी थ्री एक्स जमा नाइन, ये देखिए फैक्टर बन गए दो फैक्टर्स। अब अगर ये वाली मज़ीद अगर जो पुराने तरीके उसकी मदद से फैक्टराइज हो सकते तजी हो सकती है, तो आप इसको वो पुराने तरीके टेक्निक इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं, नहीं होता है ठीक है ना, इसको आप स्प्लिट भी नहीं कर सकते हो, कॉमन भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया जी।